ओप्पो इंडिया में अपनी रेनो 10 सीरीज को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। ओप्पो के तीन प्रीमियम स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 10, 10 प्रो, 10 प्रो प्लस इंडिया में लॉन्च किए जाएंगे। 10 जुलाई 2023 को एक लॉन्च इवेंट रखा जाएगा जिसमें से तीनों फोन्स के बारे में बात की जाएगी, क्या नया हो सकता है। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी क्लेम की जा रही है कि सारे फोन्स ऑलरेडी चाइनीज़ मार्केट पर लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इंडिया में जो लॉन्च होंगे उसके हार्डवेयर में हमें बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी तक लीक्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस में स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 वाला प्रोसेसर और 100 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। 10 प्रो में अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 778G और एक 100 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। वहीं अगर ओप्पो रेनो 10 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसमें डायमंडसिटी 7050 वाला SoC और एक 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। बात करेंगे सारे डिटेल्स के बारे में कि आखिर ओप्पो की रेनो 10 सीरीज में हमें क्या नया देखने को मिल सकता है अगर चाइनीज़ मार्केट चाइनीज़ वेरिएंट से अगर कंपेयर किया जाए। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। 10 जुलाई 2023 को इन सारे फोन्स के बारे में पता चल जाएगा, क्या प्राइसिंग होगी, क्या स्पेसिफिकेशंस होगी, क्या नया हो सकता है। हालांकि एक चीज़ आपको और बता दूं कि ओप्पो की रेनो सीरीज और वीवो की एक्स सीरीज ज़्यादातर कैमरा सेगमेंट होती है, कैमरे को ज़्यादा टारगेट कर सकती है। तो यहाँ पर जब इनका ऐड वगैरह निकल रहा है तो ज़्यादातर कैमरे को ही फोकस किया जा रहा है। और कैमरे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रेनो 10 प्रो प्लस के कैमरे को ज़्यादातर तवज्जो दी जा रही है क्योंकि एक प्रीमियम सेगमेंट का स्मार्टफोन होगा। इन फ़ोन्स की अगर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो अभी हाल ही में टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने इन तीनों फ़ोन्स की रिटेल बॉक्स की प्राइसेस को लीक करा है। बताया जा रहा है कि इंडिया में जो ओप्पो रेनो 10 की जो बॉक्स प्राइस होगी वो लगभग 39,000 के आसपास बताई जा रही है। वहीं 10 प्रो के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे ये 45,000 रुपये के आसपास टिप की जा रही है। 10 प्रो प्लस के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है, यहाँ पे 60,000 रुपये बताई जा रही है। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो बॉक्सेस की प्राइस होती है और ऑफिशियल लॉन्च की जो प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंट देखने को मिलता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ओप्पो की जो रेनो 10 की जो प्राइस होगी वो लगभग 30,000 के आसपास रखी जाएगी। 10 प्रो के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी ये बताई जा रही है कि 40,000 रुपये के आसपास होगी। और 10 प्रो प्लस के बारे में बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है कि ये 50,000 से 55,000 के आसपास देखने को मिले। और साथ के साथ इसमें कुछ कार्ड ऑफर्स डिस्काउंट वगैरह भी लगाएं जिससे इनकी जो प्राइस होगी वो हमें बहुत ही तगड़ी क्या बोल सकते हैं अग्रेसिव वगैरह देखने को मिल सकती है। और ये बजट सीरीज बजट फ्रेंडली भी हो सकती है, हालांकि प्रीमियम स्मार्टफोन है तो बजट फ्रेंडली नहीं। ओप्पो ने इन तीनों स्मार्टफोन की इंडिया वेबसाइट पर लिस्ट किया है जिससे इस वाले फ़ोन्स के कलर स्टोरेज और कुछ की स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता चला है। 10 प्रो 10 प्रो प्लस के बारे में अगर बात की जाए तो 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ ये लॉन्च किए जाएंगे। वहीं अगर 10 के बारे में बात की जाए तो ये 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किए। कलर ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो 10 प्रो 10 प्रो प्लस का एक ग्लॉसी पर्पल और सिल्वर ग्रे कलर ऑप्शंस में हमें देखने को मिल सकते हैं, वाले कलर काफ़ी है। और इनका जो एक यूनिक डिज़ाइन है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग सा पार्ट बन जाता है क्योंकि तीनों फ़ोन में हमें टेलीफोटो सेंसर देखने को मिल सकता है। दो फ़ोन में मिलेगा, तीसरे को तो नॉर्मल ही रखा गया है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात की जाए तो 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 6.87 इंच की एक सुपर AMOLED की OLED वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज़ का सपोर्ट होगा और इसमें 1400 लक्की तक पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। प्रोसेसर के बारे में बहुत पहले ही कंफर्म किया जा चुका है। बाकी कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट है वो है इनका कैमरा। 10 प्रो प्लस के बारे में अगर बात की जाए तो 64MP का इसमें एक पोर्ट्रेट टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलेगा, जबकि 50MP का सोनी IMX809 के साथ प्राइमरी सेंसर, दोनों सेंसर हमें OIS सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी एक 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। 10 प्रो के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 32MP का सोनी IMX709 वाला टेलीफोटो सेंसर होगा, बाकी 50MP का प्राइमरी और एक 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि 10 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 64MP का प्राइमरी, 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक 2MP का बराती देखने को मिलेगा। हालांकि तीनों फोन्स के कैमरा में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, काफ़ी ज़्यादा नहीं बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए जैसे कि बैटरीज़ के बारे में तो 10 प्रो प्लस में हमें 4700mAh की बैटरी और एक 100 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 10 प्रो में 4600mAh की बैटरी और 100 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। वहीं अगर 10 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 4500mAh की बैटरी होगी, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। तीनों फोन एंड्रॉयड 13 पे आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, कलर OS 13 इसमें देखने को मिलेगा। बाकी रही बात प्राइसिंग की तो
पहले लीक की जा चुकी है। बस अब 10 जुलाई को देखना ये होगा कि आखिर एक्चुअल में इनकी क्या प्राइसिंग होगी और क्या ओप्पो की तरफ से ऑफर्स वगैरह दिए जाएंगे इन तीनों फ़ोन्स के लिए। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में, उनकी बातें लिख के ज़रूर बता देना। बाकी सैमसंग गैलेक्सी F34 के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।